हमारे लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहें। वेलकम, वैशाली एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वैशाली एजुकेशन के द्वारा कोई भी वीडियो ये पहला है आपका, तो सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और ये भी बताना मेरा परम कर्तव्य होगा कि पहला वीडियो इसका जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि सेंटेंस कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है ना। ये वैसे विशेषकर मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए आता है, जहाँ दो वाक्य दे दिए जाते हैं और उसे आपस में जोड़ना होता है। अब किस चीज़ से जुड़ेगा, उसी पर ये वीडियो है। तो ये सातवां है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, इसमें क्लियर है कि सातवां टाइप है कि पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड भी थ्री हो और एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट हो यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, तो कंबाइन जो हम लोग करते हैं ये बिफोर लगा कर करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट यानी हेड भी थ्री हो, जैसे यहाँ पे देखिए, द बेल हैड रैंग, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, रिंग रैंग, तो इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडिफिनिट है। आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं विद्यालय पहुँचा या पहुँच चुका था। देखिए यहाँ पे हिंदी में जरा किया हुआ है, द बेल हैड रैंग, आई हैड रीच्ड स्कूल। तो जब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और हैड भी थ्री है, दैट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो बात क्लियर है कि जब पास्ट परफेक्ट हो और हेड भी थ्री हो, एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट हो, तो हम लोग बिफोर लगा के इसका सेंटेंस कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसको, इस तरीके से बनाएंगे, द बेल रैंग, द बेल रैंग, घंटी बजी, आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं विद्यालय या स्कूल पहुँच चुका था। तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे कि आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं विद्यालय पहुँच चुका था, है ना, बिफोर द बेल रैंग, ठीक है, घंटी बजने के पहले, आफ्टर द बेल रैंग, इसको चाहे तो आप आफ्टर करके भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पास्ट परफेक्ट अगर पहले लग जाएगा तो हम लोग बिफोर लगाएंगे और तब जाके पास्ट इंडिफिनिट लगाएंगे। देखिए है ना, पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पे क्लियर। लेकिन अगर आप पास्ट इंडिफिनिट आप पहले लगाएंगे तब आपको आफ्टर लगाना पड़ेगा। क्लियर है, नहीं समझे तो फिर से समझा रहे। देखिए, द बेल रेंग, घंटी बजी, आई हैड रीच्ड द स्कूल। देखिए होता क्या है, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि अगर आप कोई काम को परफेक्टली कर चुके हैं, यानी आपके विद्यालय पहुंचने का काम पूरा हो चुका था, परफेक्ट हो गया था, आप पहुंच गए थे, तब तक घंटी बजी, आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका था, घंटी बजी, ठीक है। तो बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था, इसका ये हिंदी हुआ। तो आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। लेकिन अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट करें, घंटी बज चुकी थी, ठीक है, द बेल रैंग, ठीक है, ये घंटी बज गई मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद, अगर आफ्टर ऐसे लगाएंगे तो। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया हो आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो दो तीन बार इसे देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को, और ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन वास्तव में कंफ्यूज करता है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपका ट्रांसलेशन वगैरह सही होगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा। आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।